हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पनीर चिल्ली। तो उसके लिए हमने 500 ग्राम पनीर लिया है, तो उसको मीडियम साइज में कट करेंगे। ये देखिए हमने पनीर काट के ले लिए हैं मीडियम साइज, ना ज़्यादा बड़े ना छोटे हैं। आप लोगों को जिस तरह पसंद हो उस तरह काटे। इसको अभी हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें और थोड़ा नमक डालेंगे, ज़्यादा ना डालें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर को कोट करने के लिए 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे। ये कॉर्नफ्लावर हो गए, ये मैदा है, थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और मिक्स करें इस तरह। एक बैग ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो गीला हो जाएगा बहुत। लगे अपने को ज़्यादा अगर गाढ़ा है तो फिर वापस उसमें थोड़ा पानी डालें। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, एकदम स्मूथ बन चुका है। ये देखिए कुछ इस तरह हमारा होना चाहिए। अभी ये रेडी है। हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम होने के लिए। अभी हमारा तेल गरम हो चुका है, तभी इसमें हम अपना पनीर फ्राई करेंगे। इस तरह देखिए इसमें पनीर डिप करके इस तरह इसमें डालें। हमने ज़्यादा तेल नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा जो भी चिपके हैं इस तरह पलटे से छुड़ा दें। और मैदा तो थोड़ा बहुत तो चिपकेगा ही, तो उससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा चिपकने से। बाद में बहुत ही क्रंची और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए सभी अलग अलग हो गए हैं, थोड़े थोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अभी हम इसे निकाल लेंगे। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन ना करें, इसी तरह आप लोग भी उतना ही फ्राई करके निकालें। इसी तरह अब हम सारे पनीर फ्राई कर लेंगे। सभी पनीर को हमने फ्राई कर लिया है अच्छे से, सारे पनीर हमारे फ्राई हो चुके हैं। देखिए हमारे पनीर सारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, एकदम क्रंची हो चुके हैं। देखिए इसी तरह का आप लोग भी फ्राई करिए। पनीर चिल्ली बनाने के लिए ये हमारे कुछ सब्जी हैं, जैसे कि शिमला मिर्च 2 मीडियम साइज़ 100 ग्राम के करीब था, और 2 मीडियम साइज़ प्याज था। इसको कट करके एक एक लेयर करके इस तरह निकाल दिए हैं, इतना इतना बड़ा। और हरी मिर्च है, आप लोगों को जितना तीखा पसंद हो उसके हिसाब से डालें। और 2 हरा प्याज था, उसको छोटा छोटा मतलब इस तरह काट के ले लिए हैं। और ये लहसुन है, सिर्फ लहसुन है, अदरक नहीं है। इसको काटे नहीं हम, इसको कूटे हैं, क्योंकि कूटने से अच्छा स्वाद आता है, इसलिए हम कट नहीं किए। लोग भी बनाएं, कभी कूट के बनाएं, उसका स्वाद अलग ही लगेगा आप लोगों को। मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, 5 से 6 चम्मच के करीब तेल डाला है, और उसमें डालेंगे अपना लहसुन। इसमें गैस का फ्लेम हाई रखें, इसका जब तक कि लहसुन का कच्चापन ना निकल जाए तब तक इसे हम भूनेंगे। लहसुन का कच्चापन निकल चुका है, इसमें हम अपना डालेंगे कटा हुआ प्याज और साथ में शिमला मिर्च डालेंगे। और ये अपना कटा हुआ हरी मिर्च हाई फ्लेम पे ही भूने, गैस का फ्लेम लो ना करें। 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 चम्मच विनेगर, ज़्यादा ना डालें विनेगर, एक ही चम्मच डालें। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इसमें कलर का यूज नहीं कर रहे हैं। इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। अभी भी इसमें पानी डालेंगे। लोगों को अगर ग्रेवी वाली खानी है तो पानी ज़्यादा डालें। 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें डाले थे, इसी तरह मिलाते हुए इसमें डाल दें।
इसको फटाफट चलाएंगे, नहीं तो एक जगह बैठ जाएगा, जम जाएगा हमारा। इससे हमारी ग्रेवी ठीक हो जाती है। इसमें अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, ज़्यादा ना डालें क्योंकि सोया सॉस में भी नमक रहता है। सर नमक डालेंगे। अब हम इसमें अपने पनीर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद एक मिनट लिए सिर्फ पकाएं, ज़्यादा ना पकाएं। हमारे एक मिनट हो चुके हैं तो अपने कटे हुए हरे प्याज इसमें ऊपर से डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और गरम गरम खाएंगे। ये पनीर चिल्ली खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये अगर रेसिपी हमारी अच्छी बनी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।